नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार में और देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। विभिन्न राजनेता, विभिन्न नेता और कार्यकर्ता अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसी बीच हम जमीन स्तर पर जुड़े हुए नेताओं से मिल रहे हैं। इसी दौरान अभी हम पहुँचे हैं पटना के एक अस्पताल में, जहाँ पे भागलपुर भाजपा के एक नेता, भागलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भर्ती हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके हालात पे, बिहार की राजनीतिक स्थिति पे हम उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार रोहित जी, आपका स्वागत है बिहारी डॉट न्यूज पे। सबसे पहले तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हों और हम आज आपसे कुछ बातचीत करेंगे और आपकी बातों को हम अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहेंगे। आपकी ये हालत कैसे हुई और किस अवस्था में आप अभी हैं, थोड़ा सा जनता को बताएं। 20 तारीख को हम लोग पटना में प्रांत की एक बैठक थी, उस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे थे और 4 से 5 के बीच सुबह बख्तियारपुर के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसी में हम लोग घायल हुए। फिर इलाज के लिए पटना लाया गया और यहाँ ऑपरेशन हुआ है। पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है। रोहित जी, आप पार्टी में अपनी भूमिका के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। पार्टी से पहले मैं अपने सामाजिक जीवन की जो शुरुआत हुई है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरा सामाजिक जीवन का शुरुआत विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हुआ। विद्यार्थी परिषद में कई दायित्व पर रतवे, प्रांत के कार्यालय मंत्री के दायित्व तक रहे। विद्यार्थी परिषद से मुक्त होने के बाद और उसे पहले संघ के संपर्क में भी आ गए थे, संघ के स्वयंसेवक रहे और विद्यार्थी परिषद से मुक्त होने के बाद संघ के भी दायित्व में कुछ दिन रहे और फिर बाद में हमारे जिम्मे युवा मोर्चा की जिम्मेवारी आ गई। युवा मोर्चा के प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे और फिर युवा मोर्चा के बाद पार्टी भाजपा के जिला प्रभारी के नाते, कई जिला के प्रभारी के नाते दायित्व का हमने निर्वहन किया। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे और फिर अभी 1.5 साल पहले हमारे जिम्मे भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला के जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी आई। यानी बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर आपने अपना काम किया है और पार्टी के लिए, संघ के लिए बहुत सारा काम किया है आपने। आगे आपकी क्या रणनीति है भागलपुर की जनता के लिए? भागलपुर की जनता के लिए संगठन ने जो हमारी भूमिका तय की है, वह भागलपुर जिला अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला में सशक्त हो, मजबूत हो। जो अपना 5 विधानसभा हैं, 1 लोकसभा है, वह विजयी हो, इस नाते अपने को पूरा झोंकना है और लगाना है। चलिए, हालांकि अभी तो आपकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक ही नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप स्वस्थ होए और अपनी जनता के बीच पहुँचे। जनता आपको बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और अपनी जनता के लिए क्या कहेंगे, अपने स्वास्थ्य के बारे में जनता को कुछ बताएं ताकि उनको दिलासा हो। वो बहुत ही चिंतित है अपने लोकप्रिय नेता को इस हालत में जानकर, कुछ कहिए ताकि उनको दिलासा हो जाए। नहीं, यह तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और भागलपुर के जनता का ही आशीर्वाद और स्नेह रहा कि मैं आज स्वस्थ हूँ और बच गया हूँ। नहीं तो जिस प्रकार की एक्सीडेंट थी, इसमें बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन इतने लोगों का आशीर्वाद, स्नेह है और उसी के कारण मैं आज बचा भी और तेज़ी से स्वस्थ भी हो रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी से स्वस्थ हों और अपने जनता के बीच पहुँचे। स्वस्थ होने के बाद आप पार्टी के लिए आगे आपकी रणनीति क्या है? स्वस्थ होने के बाद जिस गति से हम पार्टी के लिए पहले काम करते आ रहे थे और दुगुनी गति से मैं अपने आप को पार्टी के कार्य को विस्तार देने के लिए अपने को झोंकूंगा। और इन दिनों में जो मुझे अभी आराम करना है, तो पहले मैं स्वयं ज़्यादा घूमते रहता था, ज़्यादा काम करता था, तो अपनी टीम को मॉनिटरिंग करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी जब मैं अस्वस्थ हूँ तो मुझे एक अवसर आया है कि जो अपनी टीम है वह कितना काम कर रही है, उनका प्रवास कितना हो रहा है, तो इसे पूरे टीम में सक्रियता आ गई है, गति आ गई है, तो
तो हमारा इस जो मैं अस्वस्थ हूँ इस समय का भी मैं सदुपयोग उस टीम को मॉनिटरिंग करने में, उनके कार्य क्षमता को विस्तार देने में उसका समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। और कोई व्यक्ति जब अकेला काम करता है तो उसकी एक क्षमता होती है, उसकी एक सीमा होती है, लेकिन जब पूरी टीम काम करती है तो वह क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो इस नाते मैं इस समय का भी लाभ उस टीम को सक्रिय करने में, उसको गति प्रदान करने में कर रहा हूँ, और जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊँगा तो उसको और दोगुनी गति से मैं करने का। हालांकि अब पिछले कुछ वर्षों से जैसी देश की राजनीति हो चुकी है, देश की राजनीति नहीं कहें, ये यूँ कहें कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और ज़्यादातर पॉलिटिकल बयानबाजी जो होती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही होती है, ट्विटर पे हो चाहे फेसबुक के माध्यम से हो। तो इस माध्यम से भी आप सजग रह के और एकदम एक्टिव होकर आप पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। अभी आपकी इस हालत के बारे में जानकर, हालांकि आप ऐसे भी एक अच्छे पोस्ट पे हैं, तो किन किन नेताओं का आना जाना रहा और कौन कौन आपसे हालचाल लेने आए? पार्टी के ऐसे कौन नेता नहीं आए यही हमको ध्यान में नहीं है। और इस विषम परिस्थिति में पार्टी ने जो हमें संबल दिया, पार्टी ने जो हमारे लिए किया, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता हूँ और इस ऋण से कभी उऋण भी नहीं हो सकता हूँ। और अगर पार्टी में जिस पोजीशन पर मैं अभी हूँ, इसके बाद मुझे पार्टी से केवल इस घटनाक्रम से जो मुझे मिला, पार्टी से जो प्यार, जो स्नेह, जो सम्मान मिला, मैं इसके बाद कोई आकांक्षा नहीं रह गई है कि कोई पार्टी जितना हमें दे दिया है उसी ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। तो इस नाते पार्टी ने बहुत किया हमारा है जो इस विषम परिस्थिति में। आपने पार्टी के लिए जितना मेहनत किया है यही कारण है कि आपकी एक विशेष पहचान है और पार्टी ने आपको उतना वैल्यू दिया और पार्टी के विभिन्न नेता यहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि पार्टी के विभिन्न नेता यहाँ पर आए और आपका हालचाल लिए। अब आगे आप अपनी जनता को या जनता के लिए क्या करने वाले हैं ये भी बता दें। आगे तो जो संगठनात्मक जिम्मेवारी है हमारी और जो प्रांत और केंद्र के द्वारा निर्धारित जितने कार्यक्रम हैं उसको मैं भागलपुर पहुंचकर, वो चल भी रहे हैं, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्तमान टीम के सभी लोग उसको सुचारू ढंग से कर रहे हैं, उसी को गति देने का काम मैं करूँगा फिर यहाँ से। चलिए बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों। हालांकि डॉक्टरों का आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना है, अभी आप कितने दिन के अंदर जल्द से जल्द आप चलने फिरने लगेंगे? अभी तो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक बेड रेस्ट का है कि 1.5-2 महीना अभी कम से कम बेड रेस्ट करना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है मूवमेंट करना है वॉकर के माध्यम से या अन्य माध्यम से, लगभग 3 महीने के बाद अपना सुचारू रूप से अपने दैनंदिन कार्य को हम कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम बिहार की राजनीति पे भी कर लें आपसे, आप एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो क्या आप बताएंगे कि बिहार में वर्तमान में भाजपा की हालत क्या है, क्या आप उसको पहले से बेहतर मान रहे हैं या पहले से मोदी सरकार की विभिन्न नीतियों का विपक्ष लगातार विरोध करता आया है और तरह तरह की बातें शेयर की जा रही है मार्केट में, सोशल मीडिया पे चलती रहती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिलहाल में मोदी सरकार की जो नीति है आप उससे कितने सहमत हैं? हालांकि आप पार्टी के हैं तो आप तो सहमत ही होंगे, लेकिन आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी सरकार की जो नीति है वह स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास, और उसी मोटो को लेकर काम कर रही है यह सरकार। जहाँ तक बिहार में राजनीतिक स्थिति की सवाल है तो बिहार में हम सत्ता में हैं, हमारी लोकसभा में हमारी अच्छी सीट है, तो हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कभी भी यह नहीं सोचती है कि हम मजबूत हैं और इस नाते शिथिल बैठती है, वह प्रतिदिन अपने कार्य को विस्तार देने में, समाज के विकास में हम क्या कर सकते हैं, और इस माध्यम से अनेक स्तर पर, केवल सरकारी स्तर पर नहीं, संगठन स्तर पर भी क्या कर सकते हैं, ऐसे अनेकों कार्यकर्ता संगठन के ऐसे लगे हुए हैं, कर रहे हैं, सरकार से लेकर संगठन स्तर पर चल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही चलता रहे। और हालांकि अभी जो तैयारी शुरू हो चुकी है, विभिन्न पार्टी तरह तरह की खिचड़ी बना रही है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट हो रही है, इधर मोदी सरकार यानी NDA के जो घटक दल हैं उसमें भी कुछ असंतुष्टि भी दिख रही है, कुछ पार्टी
कुछ सीमा रेखा से बाहर की बयानबाजी करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या एनडीए में कोई फूट है? देखिए, एनडीए में कोई फूट नहीं है। दूसरा, हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता एक साधन है समाज परिवर्तन के लिए, और हमारे लिए सत्ता कभी भी सुविधा प्राप्त करने का साधन नहीं रहा है। हमारे लिए सत्ता सेवा का साधन रहा है। तो इस नाते हमारे मन में एक लक्ष्य, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमेशा वो अपने को तैयार करते रहती है समाज के निर्माण में, देश को कैसे हम आगे ले जाएं, और हमारी चिंता देश को लेकर है कि हमारा देश कैसे प्रगतिशील हो, देश के में रहने वाले एक एक व्यक्ति का जीवन कैसे उन्नत हो। इस नाते सब लोग लगे हुए हैं और करते हैं। हमारा तो हमेशा संघर्ष में जीवन रहा है, भाजपा हमेशा संघर्ष में ही विश्वास की है। दो सीट से आज हम देश की सत्ता में हैं, अनेक देश के कई राज्यों में हमारी सरकार है या गठबंधन की सरकार है। तो इस नाते और यहाँ तक पहुँचने में हमेशा संघर्ष का और मेहनत का ही सहारा लिया है हमने। हमने कोई लोक लुभावन नारे या फिर गलत प्रकार की ऐसी राजनीति की जोड़ तोड़ की राजनीति और इसका कभी हमने सहारा नहीं लिया और उस पर कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा वह देश कैसे वैभव संपन्न बने, देश कैसे उन्नतशील हो, इस नाते हमारा हमेशा दृष्टिकोण रहा है और उसी को केंद्र बिंदु में रखकर हम लोग काम करते हैं। और सत्ता हमारे लिए एक माध्यम है देश सेवा। चलिए, देश सेवा आपका एक उद्देश्य है, सत्ता आपके लिए उसी चीज़ का एक माध्यम भी है। आप एक जमीन स्तर के नेता हैं जैसा कि हम जानते हैं, और भागलपुर की जनता भी आपको बहुत पसंद करती है। आप काफ़ी निम्न स्तर के लोगों से भी मिलते हैं, उच्च स्तर के लोगों से भी मिलते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि जमीन स्तर पर जितने भी लोग हैं, आम जनता है, वो पार्टी के बारे में क्या सोचती है, आगामी चुनाव के बारे में क्या सोचती है? देखिए, भागलपुर की जहाँ तक जनता का सवाल है, वह पूरी तरह से मोदी जी के कार्यकाल से संतुष्ट है और धीरे धीरे जो कहीं कुछ कमी रह गई है उसको हम लोग, जो मोदी सर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक लेकर जा भी रहे हैं, और जहां नहीं पहुंच पाई है योजना वहां वह पहुंचाने का काम, वह बताने का काम हम लोग सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक एक लोगों का समर्थन इस बार भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार को बिहार में और केंद्र में दोनों जगह मिलेगी, ऐसा विश्वास है। चलिए रोहित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुँचे, वो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रियांक सौरभ, बिहारी.न्यूज़ से, धन्यवाद।